15 साल की एक लड़की जो 5 लड़कों के साथ घपाघप करती है। तो आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मेलिसा पी। 2005 में ये मूवी आई थी। मेलिसा अपने मॉम और अपनी दादी के साथ रहती थी। मेलिसा की मॉम और उसकी दादी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए मेलिसा अपनी दादी से बहुत कनेक्टेड थी और वो अपनी सारी बातें अपनी दादी को बताया करती थी। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं मेलिसा स्कूल आई होती है। स्कूल में मेलिसा का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल एक बहुत ही अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का होता है और वो मेलिसा के ऊपर अपनी निगाहें बना के रखता है। डेनियल मेलिसा से बोलता है, कल हम सब नहाने जा रहे हैं, क्या तुम स्विमिंग पूल में आओगी? मेलिसा हाँ बोल देती है और अगले दिन सभी नहा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, लेकिन मेलिसा बोलती है डेनियल से कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। डेनियल मेलिसा से बोलता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मेलिसा डर जाती है, उसे लगता है पता नहीं क्या देना होगा। फिर डेनियल बातों बातों में ही मेलिसा को अपने घर बुला लेता है और मेलिसा भी आ जाती है। डेनियल मेलिसा के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है और धीरे धीरे मेलिसा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उस दिन के बाद से डेनियल मेलिसा को कभी भी नहीं मिलता। स्कूल में मेलिसा की फ्रेंड उसे बोलती है कि डेनियल बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, अब वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। मेलिसा भी अपनी दोस्त की बात सुन के दुखी हो जाती है। वहीं पता चलता है कि मेलिसा की मॉम ने उसकी दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है क्योंकि उसकी दादी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन मेलिसा को लगता है उसकी मॉम उसकी दादी से उसको दूर कर रही है। तभी अगले दिन स्कूल में मेलिसा की दोस्त उसे बताती है कि डेनियल कल क्लब में आने वाला है। वहीं पर मेलिसा भी पहुंच जाती है और डेनियल मेलिसा को देखकर अपनी तरफ बुलाता है और डेनियल कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो, और डेनियल उसे शैंपेन भी पीने को देता है और मेलिसा लेती है। डेनियल मेलिसा को अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। फिर डेनियल मेलिसा को एक कमरे में लेके जाता है और फिर से दोबारा से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं पर मेलिसा डेनियल से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वहीं डेनियल बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं प्यार व्यार नहीं करता। ये सब मेलिसा सुनकर दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद मेलिसा डेनियल से दूर हो जाती है, लेकिन वहीं पर डेनियल के 5 दोस्त मेलिसा के साथ घपाघप करने के लिए डेनियल को मना लेते हैं। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको दूसरे चैनल पे दूंगा, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी पर इसका दूसरा पार्ट में डालूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि डेनियल कैसे अपने 5 दोस्तों के साथ मेलिसा के साथ घपाघप करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।